हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हो? नमस्ते, सत श्री अकाल। आप तो स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर पहली बार आए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट करके जरूर जाना दोस्तों, क्योंकि वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। और आपके लिए जानकारी लेकर मैं आई हूँ कि आप फेस क्लीनअप के साथ साथ पिलअप मास्क कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम आपको बताएँगे फेस क्लीनअप एक नया तरीका से आपको करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले फेस को क्लींजिंग कर लीजिएगा। क्लींजिंग करने के बाद स्क्रब कर लीजिएगा। स्क्रब करने के बाद ये जेल फेल पिलअप मास्क अप्लाई कर लीजिएगा, जो कि चारकोल का है। तो इसको अप्लाई करना बहुत ही आसान है, एकदम जेल फॉर्म में आता है। तो गाइस, जो ये चारकोल का फेस मास्क है, ये आपका ब्लैक हेड अंदर पोर्स के अंदर से निकालता है और फेस को स्मूथ सॉफ्ट बनाता है। इधर का ड्राई नहीं हुआ है, तभी गीला है। यहाँ का, यहाँ भी गीला है। इधर का जो है ये ड्राई हो चुका है। इधर पतला था इसलिए इसका पहले ड्राई हो गया है। इधर का मोटा तो ड्राई नहीं है। इतना तो यकीन है, इससे आपका हेयर भी रिमूव हो गया। देखो, एकदम प्लास्टिक तरह है। तो इसको एकदम आराम आराम से रिमूव करना है, क्योंकि मास्क फॉर्म में है ये। ठीक है, स्किन को टाइट कर लेना है एक हाथ से, और एक दोनों आँख आपको ऐनक में होना चाहिए। उसके बाद इसको ऊपर की तरफ रिमूव करना है। बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाएगा, एकदम प्लास्टिक की तरह निकलता है। जैसे होता है ना कि प्लास्टिक सर्जरी वाला, तो वैसे ही दिख रहा है ये रिमूव करने के बाद ये मास्क। तो आपको भी थोड़ा अजीब सा लगेगा इसको जब रिमूव करोगे, तो थोड़ा सा रूमा उखड़ता है ना, तो दर्द करता है। जैसे आईब्रो बनाते हो तो आँख में पानी आ जाता है, तो वैसे ही आ जाता है इसको भी रिमूव करने समय। तो गाइस, आप चाहें तो सादा पानी से धो भी सकते हैं, आप दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो सादा पानी से धो दोगे तो आपका ब्लैक हेड वाइट हेड कैसे निकलेगा फेस से? तो इसीलिए आपको ऐसे रिमूव करना ज़रूरी है। इसलिए सादा पानी से आप मत धोइएगा, आप इसको ऐसे ही रिमूव करिएगा जैसे कि मैं रिमूव कर रही हूँ इसको। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप कितना आवाज़ कर रहा है, एकदम प्लास्टिक की तरह आवाज़ कर रहा है। जैसे मैं रिमूव कर रही हूँ तो आपको सुनने में आ रहा होगा कैसे आवाज़ कर रहा है इसको। और बहुत ध्यान से इसको रिमूव करना है। नहीं ध्यान से रिमूव करोगे तो आपका स्किन भी हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। मेरे तो पसीने छूट गए, तो मैं इतना ही आधा हटाने में। मैं हटा दूं? आराम आराम। ये मास्क मेरे से हट नहीं रहा है। मेरी बेटी बोल रही मैं हटा दूं आराम आराम से। क्या बात है, तो गाइस, मैंने ये पिलअप मास्क कैसे अप्लाई किया है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तब पता चलेगा आपको। तो गाइस, रिमूव करने के बाद ये फाइनल लुक देख सकते हैं। तो इसके बाद मैंने कैसे अप्लाई किया इसके बाद, तो गाइस मैं फिर बोल रही हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, तभी समझ में आएगा कि मैं कैसे अप्लाई की हूँ दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कैसे अप्लाई मैंने किया है ये। पट जाए तो हमें तो गाइस, आज मैं ये जो पिलअप मास्क है, चारकोल का मास्क, ये अप्लाई करने वाली हूँ। मेरे जितने स्किन में होगा ब्लैक हेड वाइट हेड, स्किन के अंदर पोर्स के अंदर, वो इस निकाल सकता है। तो देखते हैं, अप्लाई करते हैं। जेल फॉर्म में है ये, कोई कोई वो होता है जैसे कि मास्क फॉर्म में मिलता है। तो चलिए, पहले हम लोग फेस वॉश कर लेते हैं, उसके बाद स्क्रब करेंगे, तो उसके बाद ये जेल अप्लाई करेंगे। तो गाइस देखिए, मैं इससे फेस वॉश करूँगी। इससे फेस वॉश करने से क्या होता है ना, मेरा स्किन टाइट हो जाता है। और कोनो फेस वॉश से मैं फेस वॉश करती हूँ ना, तो उससे मेरा स्किन सॉफ्ट मुलायम लगता है। लेकिन इससे, ये जो एम कफिन है, इससे मेरा फेस एकदम टाइट हो जाता है। तो अच्छा है ना, तो इसको अप्लाई कर लेते हैं फेस पर। और ये झाग नहीं करता, समझ सकते पाँच फेस वॉश जो झाग वाला होता है ना, बहुत बेकार होता है। तो थोड़ा सा पानी हाथ को भिगा के फिर इसको क्लीन कर लेना है।
इसमें से फेस वॉश करने से ना इसमें से सुगंध आता है कॉफी का। मैं तो कॉफी हमारे फेस को टाइट करता है, ब्राइट करता है। देख सकते हैं जरा सा भी फेन नहीं किया लेकिन काम परफेक्ट किया। ये मेरा अच्छे से कोने कोने से जिस तरह घर से कचरा निकलता है ना उसी तरह कोने कोने जो के सफाई करना है इस फेस वॉश से। ठीक है, तो इससे साफ होने के बाद भी इस तरह का मान लेकर पोछ लेना है। पोछने के बाद स्क्रब अप्लाई करना है। तो हिमालया का स्क्रब मेरा बचा हुआ था देख सकते हैं, तो इसी से मैं स्क्रब करने वाली हूँ, फेस में अप्लाई करने वाली हूँ। मेरे पास बड़ा रिंग लाइट नहीं है इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है वीडियो बनाने में। तो इससे पहले मैं स्क्रब करूंगी, तो इसमें स्क्रब से भी थोड़ा बहुत निकलता है आपका जितने भी ब्लैक है व्हाइट है वो थोड़ा निकलता है। फिर पूरा रिमूव नहीं होता है ब्लैक हेड व्हाइट हेड, तो दूसरा प्रोसेस हम लोग करते हैं जैसे फेस मास्क, ये वाला पील अप मास्क। ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है, 10 रुपए में मिलता है आपको, मास्क भी मिल जाएगा स्क्रब भी मिल जाएगा। आप फेस वॉश से फेस क्लीन करके आप इसको क्लीन कर सकते हो। इसको नेक पर भी जरूर अप्लाई कर लेना। कुछ कारी मार रहा इसको मसाज अच्छे से करना है। और इसी जगह ज्यादा करना है जहाँ की आपका ज्यादा प्रॉब्लम है, यहाँ ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ये उठा हुआ एरिया है ना, तो यहाँ आपको डस्ट से ज्यादा सामना होता है। सारे प्रोसेस कर रही है, इसको 5 से 10 मिनट इस मसाज देना है स्क्रब का। आपका नोज है ना तो नोज निकाल के करिएगा, मैं पहले नहीं निकाल पाई यार। आप निकाल लीजिएगा, क्लीन अप किए 1 हफ्ता हो गया था, इसमें सोचिए एक बार और 1 हफ्ता हो गया तो क्लीन अप कर लेते हैं। तो स्क्रब तो हो गया है, इसको रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के बाद चारकोल फेस मास्क अप्लाई करेंगे। पहली बार अप्लाई कर रही हूँ गाइस, तो आपको ना बताऊं ना दिखाऊं ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसको नेक पर अब स्क्रब मैंने अप्लाई किया है तो भी इसको रिमूव कर लेते हैं। ये देख सकते हैं कितना बढ़िया रिजल्ट आया है, आईना भी देख सकते हैं। ठीक है, हर्बल है, चारकोल जेल पील अप मास्क, तो एंटी ब्लैक हेड जेल मास्क, तो ये मास्क अप्लाई करने से आपका स्किन सॉफ्ट हो जाएगा। देखते हैं मैं इसको कितना बार अप्लाई करूंगी, इसमें क्या मास्क है
या जेल है मुझे भी नहीं, जेल तो निकले ही, पूरा फार्मिंग तो पूरा यूज करना पड़ेगा। देख सकते हैं किस क्वांटिटी में गिर रहा है। तो बिल्कुल गाइस ये फेविक्विक जैसा है, एकदम गूंद जैसा है ये मास्क, थोड़ा थोड़ा करके जेल फॉर्म में है ये। मुझे लगता है ना कि जो नोज का है वो हमें हटा देना चाहिए था। इससे हो सकता है कि मेरा हेयर, जो हेयर जो मेरा फेस में रोवा है उसको हेयर बोलते हैं, पकड़ा जाएगा ना तो बड़ी दिक्कत करेगा निकलने। दिक्कत महा दिक्कत करेगा। अप्लाई करने के बाद स्किन में कुछ कुछ हो रहा है, जैसे लग रहा है मिर्ची लग रहा है, पनपन आ रहा है। ला 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 ला। तो बिल्कुल आपको ऐसे ही अप्लाई करना है, जो पीले मास होता है ना, तो इसको देखते हैं कितना देर तक मतलब ड्राई होता है। इसको ड्राई होने देते हैं, ठीक है। ड्राई में बहुत टाइम है।